मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप गले लगाएं तो वो आपका गला दबा देती है? नेक पिलो। ऐसा कौन सा जानवर है जो खड़े होकर सो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है, सोचना पड़ेगा इसके लिए, टाइम दरकार है। इस तरह ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जितना ठंडा करोगे उसने गर्म ही रहना है? क्या नाम है सर आप? मोहब्बत अली। आपका नाम क्या है? आज़ाद अली। अस्सलाम वालेकुम, ग्रैंड एनएन के साथ मैं हूँ अमारा खान और अभी हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में और यहाँ पे आज लोगों से हम दिलचस्प सवालात पूछेंगे, उनसे उनके हुनर के बारे में पूछेंगे। सवालात कुछ यूँ हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप गले लगाएं तो वो आपका गला दबा देती है, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो खड़े होकर सो सकता है, और तीसरा और आखिरी सवाल मेरा लोगों से ये होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप जितना ठंडा रखेंगे वो लेकिन वो गर्म ही रहेगी। और अगर आपको भी इन सवालात के जवाब का पता है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद। अहमद क्या करते हो आप? मैं इस टाइम मैट्रिक मैंने कर लिया और अब मैं कॉल सेंटर में काम कर रहा हूँ। कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, तो कैसा है आपका एक्सपीरियंस जा रहा है कॉल सेंटर में काम करने का? एक्सपीरियंस तो बस ठीक ही जा रहा है, गालियाँ बहुत पड़ती हैं। गालियाँ क्यों पड़ती हैं? घर वालों से पड़ती हैं या काम वालों से, दफ्तर से? नहीं, अंग्रेज़ों से पड़ती हैं। अच्छा, ऐसे क्या बात करते हैं अंग्रेज़ों से कि वो गालियाँ निकालने पर मजबूर हो जाते हैं? वो बात ये है ना, उनको एक जगह से कोई 5-6 कॉलें की जाती हैं, फिर मैं भी उन्हें कॉल करूँ तो गालियाँ पड़ेंगी। ठीक है, तो आप ना कॉल किया करें ताकि आपको ना गालियाँ पड़ें। मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप गले लगाएं तो वो आपका गला दबा देती है? पता नहीं, समझ नहीं आ रहा इस टाइम। समझे तो समझ आ ही जाएगा, बड़ी आसान सी चीज़ है। एक छोटी सी इंट भी दे देती हूँ आपको कि वो मर्द इस्तेमाल करते हैं। नेक पिलो तो मैं भी इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन वो गला नहीं दबाती, थोड़ा मिलता जुलता ही है। आप करीब आ गए हैं इसके, थोड़ा सा और थोड़ा सोच लें। ओके, इस वक्त समझ नहीं आ रहा। सही, आप नेक पिलो से मतलब है वही चीज़, नेक वाली चीज़ है, थोड़ा सोचें नेक वाली चीज़। नहीं, नेकलेस इतना ज़ोर से नहीं होता, वो ऐसी चीज़ है जिसको गले लगाएं तो वो आपके गला दबा देती है। है वो नेक वाली चीज़ यार, लेकिन करते सिर्फ मर्द इस्तेमाल है उसको। एक और इन छोटी सी दे देती हूँ कि वो मर्द जब किसी कोई स्पेशल फंक्शन हो, कोई इवेंट हो, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं उसको। अभी तो बिल्कुल आसान सा हो गया, अभी तो जवाब दे सकते हैं आप। जब कोई फंक्शन हो तब वो पहनते हैं, मतलब ऐसे ऑफिस जाते हुए पहन लें या कोई इवेंट हो गया, कोई खास चीज़ हो गई तब पहन लेते हैं। टाई। अच्छा, इतनी ज़्यादा मैंने आपको क्लोज इंट दे दी तब जाकर। ऐसा कौन सा जानवर है जो खड़े होके सो सकता है? खड़े होके? अब ये एक ऐसा सवाल है, सोचना पड़ेगा इसके लिए, टाइम दरकार है। इस तरह इतना बिजी होते हैं कि आपके पास टाइम ही नहीं है? बिजी बहुत होते हैं। कौन सा सवाल पूछे जिसके लिए आपके पास कम से कम हम आपका टाइम ले सकते? सवाल अब क्या बताऊँ मैं आपको, देख लें आपको जो बेहतर लगे। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका जितना गला दबाएं वो आपका उतना ही गला दबाती है? जितना गला दबाए वो भी आपका उतना ही गला दबाती है? जितना ज़ोर से गला दबाएंगे वो उतनी ज़ोर से आपका गला दबाएगी? बीवी हो सकती है मेरे ख्याल से। आपकी है बीवी जो आपका गला दबाती है? नहीं, मुझे यकीन है वही ऐसा कर। बीवी इतना आपको यकीन नहीं है कि बीवी गला नहीं दबाती? नहीं, वो दबा देती है। क्यों, वजह क्या होती है बीवी के गला दबाने की? ये होती है कि जब आप तक तो आप उससे शफकत से पेश आएंगे, उससे प्यार करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो वो भी आपकी करेगी। वो पहले दौर में होता था कि मर्द हज़रात जो रोब वगैरह जमा के तो औरतों पे ज़रा थोड़ा खुद को दर्जा अपना अपग्रेड कर लेते, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। लड़के नहीं दबा सकते गला, या सिर्फ औरतों पर ही फर्ज है कि वही दबाएं? पहले दबाएंगे तो फिर वो उसके अगेंस्ट दबाएंगे ना मर्द का। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जितना ठंडा रखे उसने गर्म ही रहना है? मेरे ख्याल से ये भी बीवी का दिमाग ही। गर्म ही रहता है ऑल टाइम, बीवी इतना खिलाफ क्यों है आप? बस अब आपको क्या बताएं, बीवी लगता गुजरी है आप पे। गुजरी नहीं है, खिलाफ नहीं हूँ मैं बीवी के, लेकिन ये है कि होता है ऐसा कभी कभी। बीवी गला भी दबाती है, बीवी का दिमाग गर्म ही रहता है ऑल टाइम। क्यों, मतलब नहीं रहता ऑल टाइम गर्म तो नहीं रहता होगा, जिसको प्यार से रखेंगे आप वो ठंडी रहेगी। आपसे की है ना कि अगर आप प्यार से रहेंगे तो वो भी आपके साथ प्यार से शफकत पेश करेगी, लेकिन अगर आप उससे नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आप? खालिद हुसैन। खालिद हुसैन कहाँ से हैं आप? मैं रहीम यार खान, JDW। रहीम यार खान में काम करना आसान है कि लाहौर में आकर पैसे कमाना ज़्यादा आसान है? लाहौर में। कैसे, क्या डिफरेंस है लाहौर का और इधर का? उधर का इधर सैलरी ज़्यादा है, उधर सैलरी कम है। इतनी सैलरी है कि आपका अपना गुजारा हो जाता है या घर वाले कभी करवा देते हैं गुजारा?
और अपनी मशूक का भी? Oh, no! नहीं, अपना होता सिर्फ। अच्छा, मशूक को नहीं देते या घर वालों को नहीं देते? देते हैं, घर वालों को देते हैं, बराबर सारा सारा सबको ही बराबर तीनों हिस्सों में बांट देते हैं। अच्छा, एक सवाल है आपसे मेरा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जितना ठंडा करोगे उसने गर्म ही रहना है? जितना ठंडा करो उसे गर्म रहना? हाँ, उसने गर्म ही रहना है। जितना ठंडा करो गर्म रहेगी? हाँ, मतलब जितना मर्जी उसको ठंडा कर लो लेकिन उसे रहना गर्म ही है। चाय? Oh, no! चाय को गर्म कर लो, ठंडा कर लो, उसने ठंडा भी हो जाना, गर्म भी हो जाना बाद में। उसमें कैपेसिटी कह रहा था। चाय बहुत पसंद है आपको? हाँ, चाय। कितनी की चाय पी लेते हैं दिन में? 3 बार। पतली पतली लड़कियों से गुजारिश है कि आज फिर आंधी के इम्कान हैं, लिहाजा घर से बाहर ना निकलें वरना फ्री होकर दुबई घूमा कर आज। ये तो हमें बिस्ती कर दिया पतली लड़कियों की, हैं खुद भी तो पतले दुबले से हैं, अपने ऊपर नहीं है ये शेर आपने पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आप? मोहब्बत अली। मोहब्बत अली, वाह इतना अनोखा नाम किसने रखा था? अम्मी ने। अम्मी ने कैमरे की तरफ देख के बताया आपका नाम क्या? मोहब्बत अली। मोहब्बत अली, इतनी मोहब्बत थी आपको आपकी अम्मी को आपसे कि उनका नाम ही आपने मोहब्बत अली रख दिया? जी, बस अबू अम्मी की आपस में मोहब्बत थी इसलिए। अम्मी अबू की आपस की मोहब्बत में आपका नाम मोहब्बत अली रख दिया गया। अच्छा ठीक है, तो मुझे बताएं कि जब दोस्त आपका नाम पूछते हैं कोई अनजान, मतलब मैंने पूछ लिया मैं हैरान हो गई, ठीक है आपका कोई नाम पूछे आप कहते हैं मोहब्बत अली, वो हंसते हैं आप पे या कहते हैं क्या कैसा नाम रख दिया? वो परेशान हो जाते हैं। परेशान तो वाकई हो जाते हैं क्योंकि बड़ा अनोखा सा नाम है, और इनका कहना है कि माँ बाप की मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि मेरा नाम भी मोहब्बत अली रख दिया गया। अच्छा सर, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। आपका नाम क्या है? आज़ाद अली। एक मोहब्बत है एक आज़ाद है, नाम ऐसे कहाँ पे रखे जाते हैं, कौन से शहर में रखे जाते हैं? हम सिंध से। ऐसा कौन सा जानवर है जो खड़े होकर सो सकता है? खड़े होकर सो सकता है जानवर कौन सा हो सकता है? हाथी। कोई ऐसा जानवर है? तुम्हें ऐसा है जानवर क्यों नहीं है, होते हैं ऐसे जानवर। ऐसा जानवर देखा तो नहीं है हमने। देखा होगा आपने, उस पर सवारी भी की हुई है। सवारी भी की है? घोड़ा तो नहीं है। तो अच्छा, घोड़ा भी नहीं हो गया, फिर क्या हुआ? ऐसा कोई हमने सवारी गधे पे की है हमने सारी। गधे भी ही है तो बस समझे कि गधे का गधे से मिलता जुलता है थोड़ा सा ना। खचर होगा। हाँ, घोड़ा ही है। ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप गले में डाले ना, अगर आप गले में डाले तो आपका गला दबा देती है? ले, एक और सी चीज़ है। मोहब्बत ना कह देना। प्यार नहीं, मोहब्बत है ना कह देना कि मोहब्बत गले पड़ती है तो वो गला ही दबा देती है। कुछ ना सोचें, बीवी होगी और कौन होगी? ये सारे बीवी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, ये क्या सोच के आपने बोला? Oh, no! बस ऐसे ही। सर आप बताएं ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप गले में पहने तो आपका गला दबा देगी वो? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शाहिद अनवर। शाहिद अनवर, क्या करते हैं आप? मैं अकाउंट्स का काम करता हूँ। अकाउंट्स का काम करते हैं, इसका मतलब काफ़ी अमीर होंगे आप? नहीं नहीं, अमीर नहीं, बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है। शुक्र है। अच्छा, अकाउंट्स के अलावा कोई आपकी हॉबी या कोई आप एक्स्ट्रा काम करते हो अपनी मसरूफियत को बढ़ाने के लिए? मैं शेर शायरी करता हूँ। शायर कौन सा पसंद है आपको ज़्यादा? वसी शाह साहब का कोई शेर सुना दें हमें भी ज़रा। मैं अपना शेर सुनाऊंगा। आप अपने भी लिखते हैं? चलें सर, अपना भी शेर सुना दें। पैसे कमाने की खातिर, कुछ ख्वाब सजाने की खातिर, वतन अपना छूटा है, तन्हा ईदों और शबरातों में दिल अपना ही टूटा है, हर लम्हा है सदियों सा, वक्त क्यों तो रूठा है, जिसने गोद में खिलाया था, खूने जिगर भी पिलाया था, जिसकी आँख का तारा था, जिसकी ज़िंदगी का सहारा था, जिंदा तो थी मगर मेरी जुदाई ने उसको मारा था, फ़ोन पर मुझसे कहती थी मेरे मरने से पहले आ जाना, एक बार बस एक बार शक्ल अपनी दिखा जाना, फ़र्ज़ अपना निभा जाना, मुझे मिट्टी में दफना जाना, फ़ोन पर मुझसे कहती थी मेरे मरने से पहले आ जाना, एक बार बस एक बार शक्ल अपनी दिखा जाना, फ़र्ज़ अपना निभा जाना, मुझे मिट्टी में दफना जाना, खाना कैसा मिलता है, लंबी आहें लेती थी, तुम हो जाओ कामयाब फिर बड़ी दुआएं देती थी, कमाल का जब्त था कि फ़ोन पे हंसती रहती थी, मेरी हर बात इसको याद थी, मेरी सब शरारतें इसको याद थी। सर किसके लिए था इतना, इतनी गजल ये तो हो गई ना, इतनी प्यारी सी, वालदा के लिए? जी जी, वालदा आपकी हयात हैं। जी जी, हयात हैं। अच्छा, माशाल्लाह, उनको सुनाया आपने ये शेर, उनकी कैसी कैफियत थी ये शेर सुन के? क्योंकि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। उनके बस यही कि बंदा जब बाहर होता तो फिर वो इस तरह जज्बाती हो जाती है थोड़ा सा। बाहर से हैं, बाहर होते हैं या इधर ही? अभी इधर होता हूँ, मेरा पीछे टोबा टैक्सिंग में। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। अम्मी याद आती हैं आपको? जी जी। अच्छा, इसके अलावा कोई आपने शेर लिखा हो किसी के लिए भी? अहले बैत पे मैंने शेरी की है। यारब नसीब कर मोहब्बत हुसैन की, यारब नसीब कर मोहब्बत हुसैन की, बैत नबी की है बैत हुसैन की,
दुनिया हुसैन की है, जन्नत हुसैन की, यारब नसीब कार मोहब्बत हुसैन की। लश्करों से लड़ पड़ा है देखो शुजात हुसैन की, लश्करों से लड़ पड़ा है देखो शुजात हुसैन की। ताकत अली की है, ताकत हुसैन की, यारब नसीब कर मोहब्बत हुसैन की। नेज़े पर जो सर है देखो इबादत हुसैन की, नेज़े पर जो सर है देखो इबादत हुसैन की। घराना लुटा दिया है देखो इस्तकामत हुसैन की, यारब नसीब कर मोहब्बत हुसैन की। मट्टी में मिल गई है रियासत यजीद की, मट्टी में मिल गई है रियासत यजीद की। दोनों जहाँ पे कायम बादशाहत हुसैन की, यारब नसीब कर मोहब्बत हुसैन की। बहुत ही कोई ज़बरदस्त, पहले वाला भी इन्होंने जब भी मदद के लिए लिखा वो भी बहुत ज़बरदस्त था, और ये अहले बैत के लिए जो लिखा ये भी बहुत ज़बरदस्त था। सर कहाँ से शायरी का शौक़ आपसे कहाँ से उजागर हुआ? बचपन से ही मैं लिखता आ रहा हूँ। क्या हाल चाल है सर आप? मैं भी ठीक ठाक हूँ। मुझे ये बताएं आप इतने क्यूट, अल्लाह शुक्र हूँ क्यूट, शुरू से ही क्यूट या अभी जाके स्पीड पकड़ी? नहीं नहीं बस ऐसे ही आपसे अच्छे से बात करें। अच्छा मुझसे अच्छे से बात करें, सबसे अच्छे से बात करते हैं या मुझसे अच्छे से बात कर रहे हैं? नहीं सबसे अच्छे से करते हैं बातचीत। अच्छा क्या करते हैं वैसे आप, कोई काम शाम? नहीं कुछ भी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे कुछ? वैसे कोई आपकी फेवरेट हॉबी कौन सी है, कोई काम शाम आपको कोई चीज खेलना पसंद हो, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन? तो ज्यादातर घूमना पसंद करता हूं, घूमना खेलना। अभी यहां पे आप घूमने आए हैं? जी जी। क्या घूमा है, क्या देखा है आपने? ऐसे ये कपड़े वाला देखा, देखा। इसके लिए कपड़े लेने लेने थे वैसे देखने आए थे। अच्छा चले मेरा आपसे सवाल है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो खड़े होकर सो सकता है? खड़े होकर सो सकता है? हिंट दे दे। मैं अभी हिंट दे दे तो फिर फायदा गया, थोड़ा सोचे तो सही। फिर भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सोचे तो सही। जानवर है, एक बड़ा प्यारा सा जानवर है। जानवर क्या हो सकता है? आई थिंक कोई टाइगर? टाइगर नहीं। क्या हो सकता है ऐसा? बहुत से जानवर है, बहुत से जानवर है, जानवर ही है वो खड़े होकर सोता है। सोता है, आई थिंक भैंस भी सोती है। भैंस को कभी देखा आपने खड़े होते सोते हुए? नहीं मतलब लेटती ना भैंस वगैरह, वो तो बैठना हो गया ना उसका, लेटते तो नहीं है। इसका कुछ तो इसका कोई तो तुक्की नहीं बनता है, सवाल का है। एक से मेरे ध्यान में याद है, एलिफेंट नहीं है, एलिफेंट नहीं है। क्या हो सकता है? अच्छा मुझे बताएं आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा, फिर मैं उस हिसाब से आपसे सवाल पूछ लेती हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो जवाब देने में। मुझे तो इंग्लिश ज़्यादातर। इंग्लिश? हाँ जी। अच्छा इंग्लिश, इंग्लिश में मुझे कोई पोइम सुना दे। बचपन में कोई पोइम याद की हो आपने वो सुना दे। इंग्लिश में नहीं बड़े गाने आते हैं उर्दू में भी। गाना आता है, चलो मुझे गाना सुना के बताओ। डिस्को दीवाने आहा, ओ डिस्को दीवाने आहा, नशीली है रात हाथों में हाथ, नाचे सितारों के साथ, सुंदर बदन ये चंचन दहन, नाचे गाए साथ डिस्को दीवाने आहा। ओ डिस्को दीवाने आ ला ला। अच्छा गाना इतना प्यारा गाते हैं, डांस करना आता है मुझे, इसी गाने पे साथ साथ गाना गाएं, साथ साथ स्टेप लगा के बताएं। चलो आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, आहा बात बन जाए, फूल को बहार, बहार को चमन, दिल को दिल, वतन को वतन, हर किसी को चाहिए तन का मिलन, काश कुछ पर ऐसा विलाप कभी आए, वो बात बन जाए, आहा बात बन जाए। बड़ी सुरीली आवाज़ है आपकी, इतना अच्छा गा लेते हैं ये। वैसे ही मतलब शुरू से गाते आ रहे हैं या अभी? शुरू से गाता हूँ। तो कभी अपने दोस्तों को गाना सुनाया, घर वालों को गाना सुनाते हैं आप? पता है गाड़ी मैं गाड़ी भी था ना जाता, अबू ऐसा या बड़ा भाई ना दोनों जाते थे, डर लगा हुआ था गाड़ी पे ना। अच्छा। उस जमाने में वो किस्ती थी उस जमाने में ना। अच्छा। किस्ती उस जमाने में थी। अच्छा, लेकिन हम लोग बड़ा सुनते थे बैठ बैठ के। मैं पता क्या मैं पीछे बैठ के आराम सुनता बैठ के पीछे। अच्छा पुराने जमाने का कोई गाना आपको याद हो जो भाई को पसंद है? वो वही मुझे पसंद है गाने। भाई की पसंद आपकी पसंद है? हाँ इतना प्यारा भाई से। सेम चीज़ है। पुराने जमाने का गाना बताए ना जो भाई को पसंद हो और आपको भी पसंद हो। उसको पसंद है उसको किशोर कुमार का। अच्छा।
जो उसको पसंद है वो मुझे पसंद है, अब वो पता नहीं क्यों मुझे क्यों ऐसा लगता है। कुमार की आवाज में सुने गाना जी। हाँ सुनाए। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में, ओ ना कुछ तेरे बस में जूली ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए।